तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन सब मिलाकर घर में ऐसे फैंटास्टिक रूम में रहना सब कुछ मिलाकर इसका प्राइस पड़ रहा है। तो दिखाओ देखो कितना रोटी हुआ है, ये देखो कितना सारा रोटी यहाँ पर हुआ है। यहाँ से कंचनजंगा दिखा जाता है, सीधा कंचनजंगा दिखा सकते हो। यहाँ से पूरा कंचनजंगा का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिलाड़ी गांव में सबसे सस्ता और बेस्ट होम स्टे क्या है, ये वाला है दोस्तों जहां पर मैं रुक रहा हूँ। क्या क्या फैसिलिटीज है वो तो आपको बोलूंगा, और अमेजिंग रेट है भाई, रेट इतना सस्ता है क्या बोलूँ आपको, हंसी आएगी इतना सस्ता और इतना बढ़िया खाने के साथ ये होम स्टे मिलता है। तो पहले चलिए होम स्टे का थोड़ा सा रूम टूर करवा देता हूँ। ये है हम लोगों का, दिस इज आवर रूम। ये दोस्तों हम लोगों का रूम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओके, रूम का फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा दो बेड, वन बेड, टू बेड। ओके, और ये है वॉशरूम। ये वॉशरूम लाइट यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिंक होता है, ज़्यादा ही ब्लिंक होता है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का अप्स एंड डाउन बहुत होता है। बहुत ही साफ सुथरा क्लीन यहाँ पर वॉशरूम आपको मिलेगा, और यहाँ पर एकदम व्यू आपको, पिछले वाला जो घर है वो भी घर हम लोग ने लिए थे, एकदम व्यू पार पर हिल का पूरा व्यू दिखा जा रहा है। वहाँ पर अच्छा खासा ठीक ठाक रूम है, नीट एंड क्लीन है। आपके साथ दो बेड मिलेगा विद द कंबल, आपको कंबल मिलेगा, पिलो भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जर, ऑल दिस थिंग्स। तो और क्या है, ये देखो लाइट का अच्छा खासा बंदोबस्त है। ओके फाइन, चलिए अभी घर से निकल के आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ का रेट क्या है। देखो, और इस होम स्टे का नाम क्या है दोस्तों, ये होम स्टे का नाम है, ये देखो बिनायो होम स्टे सिलाड़ी गांव, और फोन नंबर नीचे है। ओके, दिस इज द फोन नंबर। ओके, आप तो लोकल हो देव जी? हाँ जी। आप लोगों से एक ही क्वेश्चन सवाल है, लोग जो मेरा दोस्त देख रहे हैं वीडियो, सिलाड़ी गांव क्यों आए, एक आंसर, सिलाड़ी को क्यों आना चाहिए उन लोग? यहाँ पर तो क्या है, बहुत खूबसूरत है ये जगह, यहाँ से कंचनजंगा व्यू भी आपको, हाँ यहाँ से कंचनजंगा दिखा जाता है, सीधा कंचनजंगा दिखा सकते हो। मैं इतना होम स्टे 25-30 होम स्टे है, पूरा घूम सकता है, नीचे में प्ले ग्राउंड है, इधर आके बैठने से थोड़ा भी मिलता है, रिफ्लेक्शन भी अच्छा है इधर। सपोज अगर आप दार्जिलिंग टूर कर रहे हो, दार्जिलिंग के साथ कालिम्पोंग आ रहे हो, तो सिलाड़ी को एक बहुत ही ऑफबीट जगह है, पूरा पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा ये माहौल है। ये फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर आकर आप एक दिन के लिए आ ही सकते हो, ये ब्यूटीफुल नज़ारा। आज तो यहाँ पर सामने पूरा क्लाउड है, बट क्लाउड जब नहीं रहता है पूरा, यहाँ से डायरेक्टली कंचनजंगा का व्यू भी यहाँ पर मिल सकता है। अगर इस रूम में रहोगे, देखो इस रूम में सामने पूरा कांच का ग्लासेस है, यहाँ से पूरा कंचनजंगा का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। ओके, तो चलिए अब बात है इसका रेट के बारे में, और इसमें क्या क्या मिलता है। देखिए, यहाँ पर होम स्टे में सिर्फ होम नहीं, यहाँ पर खाना भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास इतना होटल मोटल भी नहीं है। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। ओके, नंबर टू आपको मिलेगा यहाँ पर दोपहर का लंच, क्या मेनू है वो भी मैं बोल दूँगा। और थर्ड आपको मिलेगा दोस्तों डिनर, रात का डिनर। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन सब मिलाकर घर में ऐसे फैंटास्टिक रूम में रहना सब कुछ मिलाकर इसका प्राइस पड़ रहा है पर हेड सिर्फ 1000। सोचिए भाई, और मेनू तो भाई कमाल का है। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड, बटर, ऑल दिस थिंग्स, ऑमलेट, ये सब मिलता है। दोपहर को आपको मिलेगा आपको यहाँ पर फाइन, दैट इज़ द एग करी, एग जस्ट लाइक आलू के एग जस्ट लाइक करी मिलेगा आपको, दाल मिलेगा, चिप्स मिलेगा, और रात को भाई आपको मिलेगा चिकन, बहुत ही लजीज सुपर चिकन। और आपको मैं दरवाज़ा लॉक करके आपको खाने के जगह को भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी लॉक इट, इसको मैं लॉक कर दिया। तो यहाँ पर पीछे अगर जाओगे, पीछे यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ का जो किचन है, ओके किचन यहाँ पर है, और ये है खाने का जगह, ये है खाने का जगह, यहाँ पर यहाँ मिलता है खाना मिलता है। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर खा के गया था। ओके, आपका नाम क्या है? अतीत राय। अतीत राय जी, बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम गाय। ओके,
बहुत ही टेस्टी खाना है और यहाँ पे खाने के गया और ये है इन लोगों का किचन. दिस इज द किचन ओवर हियर. सॉरी, दिस इज द किचन ओवर हियर. So, दिखाओ देखो कितना रोटी हुआ है. ये देखो कितना सारा रोटी यहाँ पर हुआ है. ये आपका तो लड़का है ना ये? हाँ, मेरा बड़ा वाला. अच्छा, बड़ा लड़का. छोटा भी है तो? हाँ, छोटा है. स्कूल मूल जाता है? स्कूल? हाँ, दोनों ही जाता है. अच्छा, स्कूल यहाँ से दूर है? पास में? हाँ, दूर है. एक घंटा लग जाएगा. एक घंटा लग जाता है स्कूल जाने के लिए? बाप रे बाप, बहुत डिस्टेंस है. ओके सर. सो गाइस, आपने देखा ये पूरा है किचन का सीन, होमस्टे का किचन का सीन. बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पर ही बनाते हैं और जो होमस्टे में जो रहते हैं उन लोगों को खिलाते भी है. पूरे पहाड़ों के बीच में इतना खूबसूरत सा ये एक गांव है, सिलाड़ी गांव. और इस गांव के ठीक बीचों बीच में ये खूबसूरत सा होमस्टे. तो भाई, एक होमस्टे का एक अलग सा यू नो माहौल है. होटल से थोड़ा सा अलग है. यहाँ का खाना वाना पका के खिलाते हैं ये लोग. एंड एकदम लोकल है. लोकल होटल का मतलब क्या है, एक कॉरपोरेट लुक आ जाता है. बट अगर आप किसी गांव में जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, तो अगर लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया तो आपको कल्चर पता नहीं मिलेगा. राइट. तो भाई, अगर ये प्लान में अगर इंक्लूड करना चाहते हो, अगर जगह को अच्छा लगता है, तो भाई डोंट फॉरगेट टू कम इन सिलाड़ी गांव. और यही बिना होम स्टे में रहो, मज़ा आ जाएगा. तो छोटा सा वीडियो था, व्लॉग था. अगर व्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कैसे बुकिंग करना है इसको फ़ोन करो. ओके, जो नंबर मैंने दिखाया, कॉल, बुक एंड कम. ओके, सब कुछ बंदोबस्त यहाँ पे हो जाएगा. सो गाइस, ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो, हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.